नमस्ते, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग ड्राइंग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को कवर करेंगे। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके बगल में VBI भी लगाया हुआ है। सो लेट अस बिगिन। सो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द सब्सटेंस टू अचीव अ ड्राई प्रोडक्ट। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं कोई भी सब्सटेंस से। जैसे सिंपल वर्ड में इसको समझ सकते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सूखा, मतलब सूखना, किसी भी वेट सब्सटेंस का ड्राई होना। इसी वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, एक सपोज दिस वन इज अ वेट सब्सटेंस, जब इसको ड्राई करेंगे तो इसके अंदर का जो भी वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा एंड दिस वेट सब्सटेंस बिकेम अ ड्राई प्रोडक्ट। तो यही है हमारा सिंपल सा ड्राइंग। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेटिंग अ ड्राइड सॉलिड प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स, ड्राइंग का मेन एम क्या होता है? हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट कैसा मिल जाए, एक ड्राई फॉर्म में मिल जाए। सेकेंड क्या है? टू स्प्रेइंग ऑफ ड्राई सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग इज अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर फ्रॉम द सब्सटेंस टू अचीव अ ड्राई प्रोडक्ट। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं कोई भी सब्सटेंस से। जैसे सिंपल वर्ड में इसको समझ सकते हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? सूखा, मतलब सूखना, किसी भी वेट सब्सटेंस का ड्राई होना। इसी वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, एक सपोज दिस वन इज अ वेट सब्सटेंस, जब इसको ड्राई करेंगे तो इसके अंदर का जो भी वाटर होगा, मॉइस्चर होगा, वो सारा रिमूव हो जाएगा एंड दिस वेट सब्सटेंस बिकेम अ ड्राई प्रोडक्ट। तो यही है हमारा सिंपल सा ड्राइंग। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेटिंग अ ड्राइड सॉलिड प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफकोर्स, ड्राइंग का मेन एम क्या होता है? हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट कैसा मिल जाए, एक ड्राई फॉर्म में मिल जाए। सेकेंड क्या है? टू स्प्रेइंग ऑफ ड्राई सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। टू प्रिपेयरिंग ऑफ पाउडर, ड्रग एंड ग्रैनुअल्स। ऑफकोर्स ड्राइंग का यूज करेंगे क्या हमें? पाउडर, ड्रग प्रिपेयर करने के लिए और ग्रैनुअल्स करने के लिए, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर कोई भी टैबलेट हो गया, तो वो सब क्या है? ड्राई फॉर्म में है। तो पहले जब उसका प्रोसेस हो रहा था तो ऑफकोर्स वो कैसे फॉर्म में होगा? वेट फॉर्म में होगा। ड्राई करने के बाद ही तो वो टैबलेट बना के उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इसमें। कंडक्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ बल्क ड्रग सब्सटेंस लाइक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड लैक्टोज। बहुत ज़्यादा बल्की जो ड्रग्स होते हैं, जो भी बल्की ड्रग सब्सटेंस जैसे कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लैक्टोज, ये सबसे बनते हैं, तो ये सबके प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, ये प्रोसेस होने के लिए हम लोग ड्राइंग का यूज़ करते हैं। टू हेल्प फॉर प्रिजर्विंग ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड ड्रग्स। अब पहले ही थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोग कि कोई भी वेट है सब्सटेंस तो वो बहुत जल्दी कोई भी माइक्रोब्स उसको ख़राब कर सकता है, तो वो सबसे बचाने के लिए हम लोग ड्राइंग का यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट डिटोरिएशन एंड प्रेसिटिपेशन, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय होने से और प्रेसिटिपेट ना होने देने में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? ये ड्राइंग। टू इम्प्रूव द कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ड्रग मटेरियल, किसी भी ड्रग मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ड्राइंग यूज़ करेंगे। मेंटेन फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग। अब कोई भी ड्रग खराब नहीं होगा तो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके क्या फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ड्रग्स को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग एट मैनी ड्रग फॉर्मुलेशन। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिसके यूज़ से हम लोग बहुत सारे ड्रग को बनाते हैं। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड है, हेल्प फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बहुत ज़्यादा जो वेट सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो उसको किस चीज़ में रखना है, प्रिजर्व कैसे करके रखना है, क्योंकि बहुत सारे
प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वेट सब्सटेंस में, लेकिन अगर कोई सब्सटेंस बहुत ड्राई है तो उसको प्रिजर्व करने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, जो कंटेनर में डालना, पैकेजिंग करना, आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सब बहुत ईजी हो जाता है। तो ड्राइंग सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा, हेल्प टू केमिकली, बायोलॉजिकली एंड माइक्रोबियल प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। पहले समझ ले इस पॉइंट को हम लोग। ड्राइंग हेल्प टू केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, एस्कोबिक एसिड एंड एस्पिरिन। ड्राइंग कोई भी ड्रग्स के केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रिजर्व करके रख रहा है ना किसी भी सब्सटेंस को, तो कोई भी माइक्रोब्स उस पर इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। और जब कोई माइक्रोब्स, जब कुछ भी बाहर से कुछ अटैक नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को क्यों लूज़ करेगा, वो अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखेगा। हेल्प फॉर साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। थर्मोलिबाइल एंड बायोलॉजिकली प्रोडक्ट मेंटेन स्टेबिलिटी इन ड्रग। हेल्प फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, इम्प्रूव अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। थर्मोलिबाइल तो पता है, थर्मोलिबाइल मीन्स क्या होता है, विच गेट डिस्ट्रॉयड बाई द हीट। थर्मोलिबाइल और जो बायोलॉजिकली प्रोडक्ट है वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, एंड कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अच्छा दिखने के लिए, अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा हो, उसमें भी ये ड्राइंग हेल्प करता है। तो अब हम लोग उसके मैकेनिज्म को देख रहे हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग इन्वॉल्व्स मेनली टू मैथड। मैकेनिज्म ड्राइंग का मेनली टू मैथड में होगा। फर्स्ट इज द हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हीटिंग मीडियम टू अ सॉलिड मीडियम। कोई भी, सपोज दिस वन इज अ हीटिंग मीडियम, तो ये क्या करेगा, कोई भी हीटिंग मीडियम से हीट को ट्रांसफर करेगा किसी भी सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग। बहुत सारा पीछे हम लोग एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था उसमें। कोई भी, सपोज दिस, कोई भी एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस या वेट सब्सटेंस रखा हुआ है, और फिर हम लोग या हीटिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, तो ऑफकोर्स वो वेट सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो हम लोग को ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, हीट ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है। कैसे हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब लास्ट यूनिट का बात था, तो ये सब हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सेकंड इज द मास ट्रांसफर। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या था, हीट ट्रांसफर, हम लोग हीट ट्रांसफर से ड्राइंग कर सकते हैं। सेकंड मैकेनिज्म क्या है, मास ट्रांसफर। मतलब इसमें मास ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, मास मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके पास कितना, जो भी एलिमेंट और कितना उसके पास एटम और मॉलिक्यूल्स है, मास क्या होता है, यही तो होता है ना, होता है ना, हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मास ट्रांसफर मतलब यहाँ पे समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा कि किसी सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में पूरा मास ही ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉलिड टू इट्स सरफेस एंड सबसिक्वेंट वेपोराइजेशन ऑफ मॉइस्चर टू द सराउंडिंग। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या बोलता है कि इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉलिड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बल्क क्या होगा, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि बल्क क्या होता है, क्योंकि उनके पहले की अच्छे से क्लियर नहीं होती है। तो सपोज ये एक फिगर है, एक कोई वेट सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे जो मॉइस्चर है वो उसको हम लोग सरफेस मॉइस्चर कहेंगे, और सरफेस को छोड़कर इसके अंदर में जो भी मॉइस्चर है उसको हम लोग क्या करेंगे, बल्क मॉइस्चर। तो अंदर में जो होगा वो पूरा बल्क होगा, और बाहर में जो होगा वो सरफेस मॉइस्चर होगा। तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉलिड टू इट सरफेस। बल्क ऑफ द सॉलिड से कहाँ ट्रांसफर करेगा मॉइस्चर को, उसके सरफेस के पास, और उसके बाद उसके सरफेस से क्या होगा, मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाएगा। तो अब ये सब्सटेंस हम लोग को क्या मिल जाएगा, एज अ ड्राई प्रोडक्ट। तो ये है हमारा मास ट्रांसफर। अब इसके फिगर को देखिए, ये है डायग्राम। तो मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर में क्या हो रहा है, पहले तो मास ट्रांसफर यहाँ भी एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अच्छे से समझ आएगा। ये है वेट सॉलिड, ये कोई भी गीला सॉलिड है, ये क्या है, अंदर वाला फेस को क्या बोलते हैं हम लोग, बल्कि फेस बोलते हैं। तो इसके में, इसमें जो मॉइस्चर रहेगा वो क्या होगा, बल्कि मॉइस्चर, और ऊपर में जो मॉइस्चर होगा सरफेस, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस मॉइस्चर।
ठीक है, और जो इनसाइड में रहेगा वो देख लीजिए बल्क मॉइस्चर। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको हीट देंगे तो मॉइस्चर सबसे पहले सरफेस पे आएगा बल्कि फेस से निकल के, और फिर सरफेस ही इवेपोरेट होके उड़ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को एज फाइनल ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा। जस्ट यही है पूरा मैकेनिज्म मास ट्रांसफर का, सिंपल सा है बस यही। तो इसमें क्या हो रहा है, मास के इनसाइड में जो भी था इसके पास, वो सारे मास को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, इन्वायरमेंट में। तो यही था मास ट्रांसफर। तो अब फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या था, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या हो रहा था, कोई भी वेट सब्सटेंस है उसको हम लोग हीट करेंगे। ये हीटिंग एलिमेंट है, सपोज ये हीटिंग एलिमेंट है, तो जैसे हीट कर रहे हैं यहाँ से हीट वेट सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर। और फिर हीट ट्रांसफर होने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, ड्राई प्रोडक्ट। तो यही दो मैकेनिज्म था, हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। तो अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट का, ड्राइंग का, वो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, एट कॉन्स्टेंट। तो क्या होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, एट कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर एक्सपोजर टू एयर एंड एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। घबराइए मत, मैं इजी तरीके से इसको समझा रही हूँ। एट कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर एक्सपोजर टू एयर एंड एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। बहुत सिंपल है, सिंपली इसको समझ लीजिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कोई भी एक वेट सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे या फिर ड्राई करेंगे। सिंपली अगर कोई भी वेट सॉलिड को हम लोग ड्राई करेंगे तो वो कुछ प्रोडक्ट देगा, लाइक ड्राई प्रोडक्ट देगा, लेकिन सब कुछ उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, वाटर है, सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर रहा ही जाएगा, कुछ बच ही जाएगा। कुछ मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। सो वॉट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, इन सिंपली वी कैन से दैट वेन वी ड्राई एनी सब्सटेंस सम मॉइस्चर विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर फुल्ली ड्राइंग इज नोन एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। बस यही है और कुछ भी नहीं है। और फिर वो क्या करता है, एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ऐसे इस परसेंटेज के तरीके से डिनोट करते हैं। अलग अलग मटेरियल का इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग होता है। जैसे कि सपोज कोई सब्सटेंस काओलिन है, काओलिन में इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, 1% रहता है। स्टार्च में क्या होगा, 9-14% होगा। सर्जिकल ड्रेसिंग में क्या होगा, 14-15% होगा। और लीव्स में क्या होगा, 26-30%। तो यही था हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, समझ गए ना। या फिर देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कोई भी एक वेट सॉलिड को हम लोग ड्राई करते हैं, आफ्टर ड्राइंग सम मॉइस्चर विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन आफ्टर ड्राइंग, इवन आफ्टर फुल्ली ड्राइंग, और कुछ भी कर लीजिए, किसी भी वेट सॉलिड मटेरियल को कुछ कितना भी ड्राई कर लीजिए, कुछ मॉइस्चर उसके अंदर रह ही जाएगा। वो कॉन्स्टेंट है, वो इतना रहेगा ही, तभी उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी। बस उसी को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूजिंग प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट इज एक्सपेरिमेंटल पर्पस हेल्प टू अवॉइडिंग द ओवर ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट आर यूज टू कंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एसी एंड डिटेक्टर। तो ये यूज़ होता है प्रॉपर ड्राइंग करने के लिए, मीन्स अच्छे से ड्राइंग करने के लिए, उसमें भी हेल्प करेगा। एक्सपेरिमेंटल पर्पस पे अगर हम लोग को निकालना है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ड्राई हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर लेंगे। तो उतना मॉइस्चर उसके अंदर रह जाएगा, उसके बाद जो भी बचेगा क्या होगा, हम लोग बोल देंगे कि ये इतना ड्राई हो सकता है। और फिर सेकंड क्या है, ये अवॉइड करता है ओवर ड्राइंग को। ऑफकोर्स कुछ मॉइस्चर रहना ही चाहिए किसी भी सब्सटेंस में, नहीं तो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी ही नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, यही इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। और ये इसका यूज़ होता है एसी डिटेक्टर ये सब को बनाने के लिए, ये सब
में कैसे मैकेनिज्म होता है, ये सब में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है ड्राइंग में, तो चलिए हम लोग उसको आराम से देख लेते हैं। डोंट वरी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एक बार फिर आएगा, सो बी रिलैक्स। सपोज ये एक वेट सब्सटेंस है, ठीक है, हम लोग इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने से क्या होगा, ये जो मॉइस्चर को लूज करेगा कॉन्स्टेंट रेट पे, और कितना इवेपोरेशन होगा वो इक्वल होगा कि कितना डिफ्यूजन हो सकता है इसके मॉइस्चर का, इसके इनसाइड से सरफेस पे और सरफेस से बाहर। तो उसके उसके बाद भी कुछ मॉइस्चर इसमें बच जाएगा, उसी मॉइस्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट सेम लाइक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अगर सपोज इसको हम लोग फर्दर ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, फर्दर ड्राइंग करने पे जो इसके क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है उसका भी क्या होने लगेगा, इवेपोरेशन होने लगेगा, वो भी निकलने लगेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बाद अगर हम लोग उसको ड्राइंग करते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में जो मॉइस्चर बचा रहता है वो हम लोग को इवेपोरेट हो जाता है? नहीं, वो बचा ही रह जाएगा, चाहे कितना भी हीट कर लीजिए आप लोग, वो बचा ही रह जाएगा। लेकिन एक क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट में क्या है कि फर्दर हीटिंग पे रिमूव होने लगता है, ठीक है, और उसके बाद भी कुछ मॉइस्चर बचे रह जाते हैं जिसको कितना भी रिमूव कर लो, वेपोराइज कर लो, ये हीट कर लो, कुछ भी कर लो, वो रिमूव नहीं होगा, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। तो यही था हमारा सिंपली। देखिए ये डिफिनेशन को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ये ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में है और ज़्यादा सही भी है। व्हेन अ वेट सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग इट लूजेज द मॉइस्चर एट अ कॉन्स्टेंट रेट, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड। द मॉइस्चर प्रेजेंट आफ्टर कॉन्स्टेंट रेट पीरियड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। जब भी हम लोग किसी वेट सॉलिड को ड्राई करेंगे तो ये मॉइस्चर को लूज करेगा कॉन्स्टेंट रेट पे। रेट जो होगा इवेपोरेशन का कितना हो सकता है वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा कि कितना डिफ्यूजन हो सकता है मॉइस्चर का इसके इनसाइड से सरफेस पे और सरफेस से बाहर। जो मॉइस्चर बचा रह जाएगा कांस्टेंट रेट की पीरियड के बाद भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो उसी के साथ हम लोग का ये वीडियो ख़त्म होता है। जो टाइप्स हैं ड्राइंग के, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।